तो बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में आज रिया से तीसरी बार सीबीआई पूछताछ कर रही है। पुलिस की सुरक्षा में सीबीआई दफ्तर पहुंची है रिया। सैमुअल मिरांडा को भी आज सीबीआई ने फिर से किया है तलब। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हो रही है पूछताछ। रिया से सीबीआई आज भी सुशांत और उनके परिवार से रिश्तों पर कर रही है सवाल। सुशांत की मौत मिस्ट्री में अब सुशांत की बहन नीतू, प्रियंका और प्रियंका के पति सिद्धार्थ से होगी पूछताछ। रिया ने सीबीआई से कई बार कहा, 8 से 14 जून के बीच क्या हुआ इस बारे में सुशांत की बहनें दे सकती हैं जवाब। नीतू 8 से 12 जून तक सुशांत के फ्लैट पर ही थी। सीबीआई ने आज सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए फिर से किया तलब, पहुंचे डीआरडीओ दफ्तर। सुशांत केस में आरोपी ड्रग पैडलर गौरव आर्या से भी होगी पूछताछ, पणजी से रवाना। गौरव आर्या ने कहा, मेरा सुशांत केस से कोई लेना देना नहीं, सुशांत से कभी नहीं मिला। आज तक मिला सुशांत की बहन रानी उर्फ नीतू और रिया की मैनेजर श्रुति मोदी के बीच व्हाट्सएप चैट, इसमें सुशांत के डिप्रेशन का जिक्र। नीतू श्रुति के बीच यह चैट 26 नवंबर 2019 का है। श्रुति मोदी ने सुशांत की प्रिस्क्रिप्शन भी बहन को भेजी थी। आज तक को मिला सुशांत का एक और पुराना ऑडियो टेप। सुशांत बना रहे थे अपने फ्यूचर का प्लान, रिया और उनके पिता इंद्रजीत भी साथ में मौजूद थे। ये ऑडियो जनवरी का बताया जा रहा है और इस ऑडियो टेप में सुशांत की आवाज काफी थकी हुई नजर लग रही है। वो बॉलीवुड और मुंबई छोड़ने का मन बना चुके थे। So the attempt is now that in one or two days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month. Bollywood छोड़ने की प्लानिंग कर रहे सुशांत, पैसों की एफडी और भविष्य को लेकर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सलाह ले रहे हैं। इसमें रिया मुखर होकर अधिकारियों से राय मांग रही हैं। मुंबई में एक शख्स ने सुशांत के शव पर तमाम चोट के निशान का किया दावा, कहा सुशांत के पैरों की हड्डी भी टूटी हुई थी। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने किया ट्वीट, देवी शक्ति से करें प्रार्थना, बुराई का नाश हो और राम राज्य की स्थापना हो, इंसाफ की अपील। सुशांत का शव ले जाने के लिए पहुंचे एम्बुलेंस अटेंडेंट और ड्राइवर विशाल ने धमकी मिलने का लगाया आरोप, कहा लोग हमें बता रहे हैं सुशांत की हत्या का साझेदार खुदकुशी करने की आई नौबत। श्रुति मोदी के वकील अशोक ने कहा सुशांत ने खुद रिकॉर्ड कराया था मीटिंग ऑडियो, क्योंकि वो इसे बाद में सुनना चाहते थे। श्रुति मोदी के वकील ने बताया 2019 में एक टूर के पहले बहनों के साथ सुशांत का झगड़ा हुआ, बहनों के होटल जाने के बाद सुशांत की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में अकेले भर्ती होने गए। बीजेपी नेता राम कदम ने किया ट्वीट, कंगना ड्रग्स माफिया में का नाम बताने के लिए तैयार, लेकिन महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं दे रही सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने फिर दोहराया सुशांत राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई। आत्महत्या के प्रकरण में मुझे पूरा डाउट है कि आत्महत्या नहीं है, ये पूरी हत्या है, क्योंकि उनको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी। कांग्रेस नेता सचिन सावंत पर रामदास अठावले ने किया पलटवार, कहा नरेंद्र मोदी की बायोपिक बनाने से संदीप सिंह बीजेपी नेता नहीं हो जाते, उनका ड्रग कनेक्शन है तो होगी जांच। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा बीजेपी दफ्तर में 53 फोन और वाइब्रेंट गुजरात में 177 करोड़ का एमओयू, क्या सीबीआई इस रिश्ते की जांच करेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।